तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। पहले हम मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। तो मिनरल्स स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं रॉक्स, मिनरल्स और ओर्स का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुनना है। तो रॉक क्या होता है? रॉक को अगर हम हिंदी भाषा में समझेंगे तो वो होता है चट्टान। ये होता क्या है? दो या दो से ज़्यादा मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है जिसमें एक ही मिनरल पाया जाता है। तो हमने देख लिया कि मिनरल्स पाए कहाँ पे जाते हैं। अब समझ लेते हैं कि भैया मिनरल्स होते क्या है। तो मिनरल्स होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं। होमोजेनियस मतलब एक ही टाइप के सब्सटेंस से बने हुए होते हैं। और भैया मिनरल्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफाइनेबल होता है, मतलब हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब मिनरल्स के बारे में एक बात याद रखना है, जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो मिनरल्स अकेला नहीं पाया जाता है, उसके साथ अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जिसको हम इम्प्यूरिटीज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ओर्स क्या होता है। तो जब मिनरल्स का कंसंट्रेशन सफिशिएंट हो ताकि जब हम एक्सट्रैक्ट करें तो वो कमर्शियली वाइबल हो, इसे हम बोलते हैं ओर्स। अब इसको समझते हैं अच्छे से। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी पैसे लगते हैं। अब मान लो मिनरल्स का कंसंट्रेशन 10% है, इम्प्यूरिटीज 90% है, तो हमने पैसे लगा दिए एक्सट्रैक्शन करने में, लेकिन जो मिनरल्स है वो 10% निकलेगा, तो क्या फ़ायदा? एट दी एंड हम लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कितना कंसंट्रेशन है मिनरल्स का। 80% है, 90% है, तब तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब CBSE वाले बहुत ही चलाक है, उन्होंने बोला कि भैया तुमने मिनरल्स तो पढ़ लिया, अब एक क्वेश्चन भी ले लो। मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आर लाइफ, एक्सप्लेन। तो हम बोलेंगे कि भैया हमने पढ़ तो लिया है, अब हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो देखो सुनो CBSE वालों, एक नंबर, एक टाइनी पिन से लेकर के बड़े बड़े जहाज तक, या फिर गाड़ी ले लो, बस ले लो, ट्रेन ले लो, अरे ब्रिज ही ले लो, एरोप्लेन ले लो, कुछ भी ले लो, सारा चीज मिनरल से ही बना हुआ होता है। दूसरा पॉइंट, जो हम खाना ठूसते हैं उसमें भी मिनरल्स पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है भैया, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो CBSE वाले यहाँ खुश हो जाएंगे अगर ये सब तीनों पॉइंट हम लिख देंगे तो। लेकिन भैया इतना आसानी से CBSE वाले छोड़ते नहीं है, वो बोलेंगे कि भैया तुमने मिनरल्स पढ़ लिया है, ठीक है, अब अकरेंस ऑफ मिनरल्स बताओ, मतलब कहाँ कहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, ऐसा थोड़े ना कि नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से, वेन्स एंड लोड्स। तो सबसे पहले सुनो याद करने का तरीका, तीन तरह के चट्टान पाए जाते हैं, मतलब रॉक्स पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक। तो भैया वेन्स एंड लोड्स में दो रॉक याद रखने हैं, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में जो क्रैक्स होते हैं वहाँ पे मिनरल्स पाए जाता है। ये जो मिनरल्स है ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, मॉल्टन फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। अब अगर स्मॉल अकरेंस में हमें मिले तो हम उसे बोलेंगे वेन्स, VEINS। और भैया वही अगर लार्ज अकरेंस में मिल जाए तो हम उसे बोलेंगे लोड्स, LODES। इसका एग्जाम्पल हो गया भैया TC, बोले तो टिन और कॉपर, और ZL, बोले तो जिंक और लेड। अब CBSE वाले यहाँ तो खुश नहीं हो जाएंगे, तो दूसरा पॉइंट भी चिपका देते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा बेड्स एंड लेयर्स। तो लेयर्स को सबसे पहले समझते हैं। लेयर्स क्या होता है? पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे टाइप का लेयर्स होता है। अब जो हमने तीन तरह का चट्टान पढ़ा था, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक, तो सेडिमेंटरी रॉक को यहाँ चिपका देना। तो मिनरल्स पाए जाते हैं सेडिमेंटरी रॉक में इन द फॉर्म ऑफ बेड्स एंड लेयर्स। अब बेड्स और लेयर्स बनता कैसे है? ये इसलिए बनता है क्योंकि डिपॉजिशन होते रहता है मिनरल्स का, मतलब एक लेयर उसके ऊपर एक और लेयर, धीरे धीरे क्या होता है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उस एरिया में। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया? कोल, जिप्सम, पोटैश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ये सब। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। मतलब होता क्या है, जो हमारा चट्टान होता है, जो रॉक्स होता है, उसमें कंटिन्यूअस वाटर फ्लो होने के कारण जितने भी सॉल्युबल कंपोनेंट्स है, मतलब जो पानी में घुल जाता है, वो सारा बह जाता है पानी के साथ। तो भैया जो रिमेनिंग चट्टान बच जाता है, जो रिमेनिंग रॉक बच जाता है, उससे हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया बॉक्साइड। अब चौथा पॉइंट है हमारा एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल सॉइल क्या होता है? बार बार बाढ़ आने के कारण जो नए नए सॉइल डिपॉजिट होते हैं उसे हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल डिपॉजिट्स में जो पहाड़ का बेस होता है वहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है।
इसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स। इसका एग्जाम्पल है हमारा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। इसकी एक खास बात क्या है, ये जल्दी से कोरोड नहीं होता है, मतलब इसमें चिट्टी वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। अब सीबीएसई वाले मन ही मन खुश हो गए होंगे, लेकिन भैया पूरा खुश कर देते हैं। पांचवा पॉइंट, ओशियन वाटर्स, मतलब बहुत सारे मिनरल्स समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये सब। अब बात करते हैं हमारा प्यारा सा देश इंडिया के बारे में। तो भैया इंडिया के पास बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और भैया वैरायटीज में पाए जाते हैं, मतलब तुम जो भी मिनरल्स का नाम बोलोगे सारा हमारे पास अवेलेबल है। मिनरल्स तो हमारे पास बहुत है, लेकिन भैया ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैप को थोड़ा जूम इन कर दो ना भाई, ठीक है हो गया जूम इन। तो देखो जो यूपी है ना, यहाँ पे बहुत ही कम मिनरल्स है, महाराष्ट्र में बहुत ही कम मिनरल्स है, लेकिन वही देखो भैया राइट साइड में खचाखच भरा हुआ है, ठीक है। तो इससे समझ में क्या आता है कि मिनरल्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मिनरल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मिनरल्स कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे भी पेनिनसुलर रॉक्स पाया जाता है वहाँ सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और कोई पूछे कि भैया पेट्रोलियम डिपॉजिट कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में, तो बोल देना भैया कि गुजरात और असम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब सीबीएसई वाले वापस से आ गए, वो पूछ रहे हैं कि भैया मिनरल्स पढ़ लिए, हम बोलेंगे हाँ भैया पढ़ लिए, तो वो बोलेंगे लो क्वेश्चन ले लो, फैक्टर्स वी कंसिडर बिफोर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। कितना मार्क्स का भैया? 3 marks. ओके ओके सर, गुड। फर्स्ट पॉइंट सर, ओके स्टार्ट। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर, मतलब सर मिनरल्स अकेला नहीं रहता, उसके साथ अदर एलिमेंट्स भी रहता, तो मिनरल्स का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता, मतलब 60%, 70%, 80%, 90%, तब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता। अगर अदर एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता, अदर एलिमेंट्स 90%, मिनरल्स ओनली 10%, तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं करता। गुड पॉइंट सर। सेकेंड पॉइंट, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब जब हम मिनरल्स को निकालने जाता तब वो आसानी से निकल जाता, वो हमारा मोटिव होना चाहिए सर। ओके एक्सप्लेन सर, जैसे कि ओशियन वाटर्स के नीचे भी तो मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे जाके खुदाई नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी लगाने पड़ेंगे सर, तो हम आसपास से ही जाके खुदाई कर लेते हैं, इसीलिए हम ये भी फैक्टर कंसिडर करेंगे ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का, मतलब आसानी से हम खुदाई कर सकें। गुड पॉइंट सर। थर्ड पॉइंट इज क्लोजनेस टू द मार्केट, मीन्स माय हाउस इन झारखंड, मार्केट इन केरला, सो आई डोंट गो एंड एक्सट्रैक्ट इन झारखंड एंड गो एंड सेल इन केरला। वेरी बैड सर, ट्रांसपोर्टेशन, टेकिंग ट्रक एंड गोइंग, नॉट गुड सर, वेरी बैड। सो व्हाट आई सी, जब हम मिनरल खुदाई, देन आई सी आसपास मार्केट ऑल्सो इज देयर। गुड गुड गुड, वेरी गुड, यू स्टडीड वेरी वेल, गुड सर, थैंक यू सर। तो चलो ये था हमारा मिनरल्स का पहला पार्ट, आगे हम मिलेंगे, पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, धन्यवाद।